ये कीरिंग दिखाया जाए है तो देखिए नॉर्मल कीरिंग जैसे यहाँ आपको नॉर्मल कीरिंग जैसे दिखाई दे रहा होगा, पर अगर आपको देखा जाएंगे इसके साथ लगा है आईफोन एक्स का बोर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं आईफोन एक्स का बोर्ड। इसका मैंने ये 12 का जो सीपीयू है वो मैंने प्रैक्टिस के लिए निकाला था, हालांकि हाँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, एक नवे पर्सनल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना का चौथा दिन, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी घर में बिल्कुल कहर मचाया होगा, और अगर आपने कहर नहीं मचाया तो फिर कैसे क्या क्या कर रहे हैं आप देखिए आपके लिए जो कंटेंट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, दिन भर ये सोचते रहते हैं कि क्या नया करें क्या नया करें। बाकी लोगों को जैसे घर पे बैठ के सिर्फ आपको उपदेश नहीं दे रहे कि घर बैठो, आपको भी पता है घर बैठना है यार, उपदेश क्या देना उसमें। सो आज शुरू करते हैं बाइक से। ये मेरी बाइक है, ये क्या है, कौन सी बाइक है, पूरी डिटेलिंग बताऊंगा। देखो मैं बाइकों का नॉलेज नहीं रखता, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत ही महान चिर बुद्धि, बहुत ही महान लटखोर बुद्धि वाले जो लोग हैं वो प्लीज़ कमेंट मत करें, क्योंकि मैं मोटो ब्लॉग्स नहीं बनाता, मुझे जो बाइक का ऑटोमोबाइल का कोई ज्ञान नहीं है। मैं मोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा आदमी हूँ, छोटा मोटा मोबाइल इंडस्ट्री से छोटा सा मोटा सा एक जाना माना आदमी हूँ जिसको थोड़े बहुत लोग जानते हैं। बाकी इसलिए मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाऊँगा कि ये क्लच लगा है, ये फलाना लगा है, दिखा मुझे डिक्स आ रही है, मुझे नहीं पता, सिर्फ ऊपरी चीज़ देखो और जो हमें समझ में आए अगर इन्जॉय कर सकते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि अभी तो मुझे इसकी आपको आवाज़ सुनानी है और बहुत सारी चीज़ दिखानी है। सबसे बड़ी जो इसकी की है, मतलब इसकी जो मेन मेरे को लगती है चीज़ की जिसको मैंने मॉडिफाई किया, हालांकि मॉडिफाई कुछ नहीं किया उसमें, एक कीरिंग लगाया, वर्ल्ड एक्सपेंसिव कीरिंग लगी है उसमें। आपको पता है मैं वर्ड एक्सपेंसिव क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपने देखी होगी एक कीरिंग आदमी कितने की लेगा, 5,000 की, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 की, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सोने का कड़ा लगा लेगा। चलिए आपको कीरिंग दिखाया जाए, और वो कीरिंग मेरा रखा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है, ओके ये मेरी कीरिंग लगी हुई है। तो ये कीरिंग दिखाया जाए है तो देखिए नॉर्मल कीरिंग जैसे, यहाँ आपको नॉर्मल कीरिंग जैसे दिखाई दे रहा होगा, पर अगर आपको देखा जाएंगे इसके साथ लगा है आईफोन एक्स का बोर्ड जैसे कि आप देख रहे हैं आईफोन एक्स का बोर्ड। इसका मैंने ये 12 का जो सीपीयू है वो मैंने प्रैक्टिस के लिए निकाला था, और ये मैंने कीरिंग बनाया। आखिर भाई मोबाइल इंडस्ट्री के दिखना चाहिए, बहुत टेक्निकली दिखना चाहिए, अगर आप जिस फील्ड के हो उस फील्ड के आप नहीं देखो तो फिर क्या मतलब है। हाँ पंचायत बातें, अभी बात करते हैं बाइक की। तो ये है जो बाइक है, ये है बुलेट 350 थंडर, मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफाई एक बाइक है, और इसको मॉडिफाई बाइक का जो ऑल ओवर खर्चा है कितना लगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में कहीं भी बता सकता हूं, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अच्छा इस बाइक के बारे में मैं आपको पूरी डिटेलिंग करूंगा, पर मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल है एसर टेलीकॉम मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके, और जो मेरा प्रोफेशनल चैनल है हमारे इंस्टीट्यूट का, और जिसमें हम ऑफिशियली वीडियो डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर अभी हमने एक बैटरी गॉज फ्यूल गॉज करके एक आईसी का हमने वीडियो डाला, सर्किट डाला है, और बहुत डीपली में बताया। अब क्या होता है कि स्टूडेंट हमसे डिमांड करता है सर आप सर्किट बताओ, सर्किट बताओ सर, इसका डीपली में बताओ सर, हमको ट्रेसिंग सिखाओ। अब जब हम डालते हैं तो उसमें भसल लोग आ जाते हैं, कुछ चिट बुद्धि क्या बोल सकते हैं उनको, भोपरू टाइप के लोग आ जाते हैं और बोलते हैं ऑस्किलोस्कोप से बताओ, इसके बताओ, यार ये तुम लोग चाहते क्या हो यार, हाँ या तो क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं आता तो क्लास ज्वाइन करो, ये ऑस्किलोस्कोप क्या होता है, कुछ मतलब चिट बुद्धि चूतिया जैसे टाइप के लोग अपने इंस्टीट्यूट के आगे एक ऑस्किलोस्कोप फोटो लगा लेते हैं, और कसम से लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके किसी एक स्टूडेंट ने आज तक जिंदगी में ऑस्किलोस्कोप नहीं खरीदा होगा। अरे क्या ऑस्किलोस्कोप क्या होता है, CRO DSO इससे डिस्प्ले की फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं, कैमरे की फ्रिक्वेंसी बता रहे हैं। मेरे भाई करना उनको वही है जो वो नॉर्मली करते हैं, किसी स्टूडेंट ने आज तक कभी ऐसा नहीं खरीदा होगा, पर कहने की बात है।
आप भी, आपके भी दिमाग में आता होगा, सर हमें ऑस्किलोस्कोप से सीख रहा है, सर हमें सीआरओ से सीख रहा है, डीएसओ से। यार एक 14,000 का माइक्रोस्कोप खरीदने में तो स्टूडेंट की हालत टाइट हो जाती है। वो बेचारे स्टूडेंट आते हैं सोच के कि मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे, और जब उनको पता चलता है कि यार इंस्ट्रूमेंट ही इतने महंगे हैं, इतने टूल्स इतने महंगे हैं, एक एक स्क्रैपर ही 800-1,200 रुपये का आता है, सो फिर वो कहाँ से 20,000-18,000-25,000 का ऑस्किलोस्कोप खरीद के? सिर्फ खाली ये चेक करेंगे कि फ्रिक्वेंसी में मेगा हर्ट्स इतने बन रहे हैं, 2600 मेगा हर्ट्स, 3200 के मेगा हर्ट्स, ये सब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो ये कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। मैं सच बताऊं, ये सिर्फ बुलाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। अगर आप तो अगर आपको वाकई में नॉलेज है तो आप स्टूडेंट को शो ऑफ करो। सिर्फ स्टूडेंट के चालू हैंडसेट सामने रख के बता देना कि इन्होंने ये सीपीयू किया, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि वो सामने पूरा ना करे। हमारे इंस्टीट्यूट में तो ऐसा नहीं होता है, हम तो हमेशा अपने प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट से ही हम सारे जो वीडियो हैं वो डलवाते हैं। हमारे वीडियो में देखिएगा, हम एक एक स्टूडेंट से खड़े होकर सवाल पूछते हैं और वो आंसर देता है। कभी भी सिर्फ हमने ये नहीं पूछा, भाई आपने क्या सीखा, सर मैंने ये सीखा है और मुझे बहुत अच्छा, नहीं सिर्फ इतना नहीं दोस्तों। आप थोड़ा गौर देखिएगा एसर टेलीकॉम में क्यों हम लोग बेस्ट हैं और क्यों हमारे पास में स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट से ही पूछते हैं, वही आंसर करते हैं और वो अपने सवालों का आंसर करते हैं प्रैक्टिकली टेक्निकली, और वो वीडियो में प्रैक्टिकली भी जॉब करते हैं। 12 घंटे की क्लास पूरे इंडिया में कोई नहीं देता, ये दावे के साथ मैं ठोक के कह सकता हूँ। चलिए बात करते हैं मेरी बाइक की। सो बाइक में क्या है क्या नहीं है, आपको जैसा दिख रहा होगा ये बड़ी डिमांडिंग बाइक है, मेरे ख्याल से इंडिया में इकलौती, हालांकि ये जैसे बनी भी होंगी पर इस जैसे शेप की नहीं बनी होंगी, ये कुछ मैंने अलग ही पर्सनल बनवाया है। सो सबसे पहले आप इसके कुछ सिनेमेटिक जितने हिसाब से मैं ले सकता हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल और एक फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास ब्लॉगर हूँ आप कह सकते हैं, बट जितना भी है एक मैंने लेने की कोशिश की है, तो आप थोड़ा रिव्यू देख लीजिए। पहला है अंतरा तो धीरे से सुनाऊं, एक एक लाइन में तुमको समझाऊं, पर धीरे धीरे जैसे गाना बढ़ने लगेगा और पारा मेरा धीरे धीरे चढ़ने लगेगा, तब फ्लो मेरा तेजी से बढ़ने लगेगा, मैं हाथ नहीं आऊंगा, तुम ले ना पाओगे मेरी जगह, ऊपर हूँ काफी मैं तुमसे खड़ा, तुम्हें लगा था कि कुछ ना बनूंगा, मैं आज हूँ, देखो मैं कितना बड़ा, और तुम बनना चाहोगे मेरी तरह। गलती नाम की है ना, हम इसकी हेडलाइट को ऑन करते हैं, ये देखिए है ना शानदार, बहुत ही अच्छी इसकी हेडलाइट है, और इसके अंदर से जितने भी DRL है ये सब वर्किंग करते हैं। ये देखिए ये बीच वाला है, ये अपर डिपर हो गए, ये देखिए ये अपर डिपर हो गए, बहुत अच्छी इसकी हेडलाइट है, और सेल्फ स्टार्टेड ये बाइक है, तो मैं इसको एक बार चालू करके आपको दिखाता हूँ, इसकी आवाज़ सुनिएगा। जैसे कि आपने देखा मैं अभी घर पे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको देर तक चला नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड है इसका जो साइलेंसर है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। हाय गाइस, तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से इसका जो साइलेंसर है वो बहुत लाउड है और बहुत कमाल का है, और सबसे ख़ास बात जब भी मैं इसके साथ जाता हूँ कहीं पर भी, तो मैं सच बताऊँ कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इसके सामने हैं, फीकी हैं, मर्स की बात करो, ऑडी की बात करो, कुछ भी है तो इसके सामने फीकी हैं। और सच बताओ जो बहुत तेज़ चलती है, जो बाइक बहुत सुपर बाइक होती है, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बाइक तेज़ चलाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं बाइक को बहुत आसानी बहुत धीरे और मज़ा लेकर चलाने का वाला आदमी हूँ, तो इसलिए मैंने बुलेट ली। और सच बताऊँ कि वो कहते हैं ना कि प्लास्टिक तो बच्चे चलाते हैं, मर्द तो लोहा चलाते हैं, तो ये लोहा ही है, और बुलेट ये एक्चुअली 350 cc है जिसको मॉडिफाई करवाया गया है, और काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशन इसमें उन्होंने की है, 3 महीने का उन्होंने समय लिया था जिन्होंने भी किया हुआ है, और करीब 3.5 लाख रुपये मॉडिफिकेशन में मेरे गए हैं इसमें, और इतने बजट के ऊपर ये गाड़ी है, बाकी बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन है और काफ़ी अच्छी लगती है। इसके बाद अब अगर कोई दूसरी गाड़ी बनती है तो वो है जो मैं लेने वाला हूँ, वो है हाली डेविसन की 48, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं थोड़ा बाइक लवर्स हूँ क्योंकि मैंने कॉलेज में बहुत कम बाइक चलाई हैं, और मतलब जनरली मेरे दोस्तों के पास ही अच्छी बाइक होती थी, पर क्योंकि अब लायक है बाइक ले सकते हैं तो बिल्कुल लेंगे, और बाइक में कभी अगर लद्दाख जाना हुआ तो बाइक से ज़रूर जाएंगे और निकालेंगे थोड़ा समय, पर इंस्टीट्यूट के कारण समय नहीं मिल पाता है, पर होगा कभी ना कभी थोड़ा बहुत समय मिलेगा जिसमें बिल्कुल जाएंगे। सो दोस्तों ये रहा मेरा बाइक का, अगर आपको पसंद आया तो बताइएगा, इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और मुझे ब्लॉग बनाना सच बता नहीं आता, कुछ भी है कमेंट कीजिए, किस कितने हिसाब से क्या बना सकते हैं, घर में वो क्या क्या कर सकता हूँ मैं वो बताइए, क्योंकि अगर बाहर जाता तो बाइक को थोड़ा चलाकर उसके थोड़े से और शॉट्स मैं आपको दे सकता, पर वो मैं देख नहीं पा रहा क्योंकि घर के अंदर लॉक है, आप देख सकते हैं बाहर निकल नहीं सकते, जैसे बाहर निकलेंगे सायरन बज जाएगा, वापस घर में भागना पड़ेगा, और जो घर के बाहर सब्जी लेने आने में भी डर लग रहा है, तो सच बताएं तो ये चीज़ थोड़ी अलग ही है, तो इसलिए जितना भी हो सकता है अपने लिए बनाने की कोशिश की है, तो बिल्कुल प्यार दीजिए, कमेंट दीजिए, थैंक यू वेरी मच, की सब्सक्राइबिंग, की वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।